चार्जर मैकेनिक पे आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑयल फिल्टर के ऊपर। ऑयल फिल्टर के अंदर कौन सी पार्ट होते हैं, उसका क्या काम होता है और इसका PSI प्रेशर कितना होता है। तो हम बात करते हैं, ये ऑयल सील है, ये ऊपर में आप देख सकते हैं ये ऑयल सील है। जब भी हम ऑयल फिल्टर टाइट करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से ऑयल लीकेज होने का चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि ये ऑयल सील जो रहता है ऑयल को रोक के रखता है इसके अंदर। और दूसरी हम बात ये जो है, और यहाँ से जो ऑयल है, यहाँ से ऑयल रिटर्न आता है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जाकर अंदर में फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद यहाँ से जो है ये आउटपुट इसका दिया जाता है। ये आउटपुट है, ये जो है आउटपुट जाके इंजन के अंदर चारों तरफ लुब्रिकेट करना चालू कर देता है। तो इसको मैं खोल के बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। और एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये ऑयल फिल्टर ही है, ये देख लीजिए ऑयल फिल्टर ही है। तो मैंने ऑयल फिल्टर को खोल के ले लिया है अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं जो भी मैंने ऑयल फिल्टर बताया था आपको वो थोड़ा छोटा था, और ये मैं बड़ा अभी कट किया हूँ, क्योंकि छोटा था तो उसमें अच्छे से क्लियर नहीं होता आप लोग को। तो आप देख सकते हैं ये जो है एंटी ड्रेन वाल, हम लोग इसको बोलते हैं, जो रबड़ आपको दिख रहा है एंटी ड्रे बैक वाल भी बोला जाता है इसको, बट आप एंटी ड्रे वाल भी बोल सकते हैं इसको। और ये जो वाल होता है कब काम आता है, ये जब भी इसके अंदर ऑयल भरता है, इसके अंदर जब भी ऑयल भरता है, आप दिखा सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है जब भी इसके अंदर ऑयल भरता है तो ये जो सुराख है ना, ये सुराख क्या करता है, ये जो रबड़ होता है, ये रबड़ इस सुराख को चारों तरफ से पैक कर देता है, ताकि कि जो नीचे का ऑयल है, जो इसके अंदर का ऑयल है, जो भरा हुआ ऑयल रहता है, वो ऊपर के साइड आने नहीं देता है। और प्रेशर से क्या होता है, जब भी ऊपर का जो प्रेशर आता है, जो रिटर्न का जो प्रेशर होता है, जब भी यहाँ से ऑयल आता है, तो ये क्या करता है, ये जो होता है, ये जो जो एंटिक ड्रे वाल होता है जो ये खुल जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए रबड़ का रहता है, ये खुल जाता है। ये खुलने के बाद क्या होता है, यहाँ से हमारा जो ऑयल होता है, यहाँ से जो ऑयल होता है, यहाँ से ऑयल आता है ऊपर से, और यहाँ से एक साइड में से पास होके इस गैलरी में आता है। ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर आता है पूरा, यहाँ से जब भी इसके अंदर ऑयल भरता है, इसके अंदर ऑयल पूरा फुल हो जाएगा, तो ये क्या करता है, रबड़ जो होता है ऑयल को यहाँ पर स्टॉक करके रख देता है, अंदर में स्टॉक करके रखे रहता है ये, ताकि कि जो ऊपर का ऑयल है ऊपर ही रह जाता है और नीचे का ऑयल नीचे ही रह जाता है। वो कंडीशन में रहता है जब भी गाड़ी हम बंद करेंगे तो इसके अंदर ऑयल भर जाता है, तो ये क्या करता है वाल, ये वाल पूरा तरह से इसको स्टॉक कर देता है, ये जो है पूरी तरह से पैक करके रख देता है। जब भी गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से जब ऑयल आता है तो ये जो वाल है, ये वाल खुलता है, और खुलने के बाद इसका साइड से इसके अंदर जाता है, इसके देख सकते हैं आप, इसके साइड से ये जो वाल होता है, वाल खुलता है तो इसके साइड से ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर जाता है, इसके अंदर पूरा भरता है। भरने के बाद अपना काम, फिर यहाँ से ये जो है, ये जो फिल्टर होता है, इसके बीच से फिल्टर होता है, और बीच से फिल्टर होने के बाद ये जो इसके अंदर आ जाता है, यहीं से ऑयल जो है इसके आर पार हो जाता है, इसके अंदर आता है, और इसके अंदर आने के बाद यहाँ से सीधा जाता है इंजन के अंदर, जो कि यहाँ से जो भी ऑयल आता है, यहाँ से जो भी ऑयल आता है वो कचड़ा वाला ऑयल आता है। आप समझ सकते हैं जो इंजन का ऑयल रहता है, कचड़ा वाला ऑयल होता है, वो इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से सीधा इसके अंदर आएगा, और यहाँ से फिल्टर होता है, यहाँ से फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद यहाँ से ये जो सुराख दिख रहे हैं आप, मोटा वाला ये सुराख, यहाँ से जो मेरा उंगली का जो है सुराख, यहाँ से ऑयल इंजन की तरफ चला जाता है, जो कि साफ ऑयल रहता है वो। तो ये और इसके अंदर भी एक वाल होता है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वाल होता है। वाल क्या काम करता है, जब भी अगर आपका ऑयल हो गया, जिसे कि आप सर्विस ज़्यादा दिन तक छोड़ दिए, ज़्यादा टाइम पे नहीं करा रहे सर्विस, या फिर ज़्यादा दिन ऑयल का हो गया, तो ऑयल का क्या होता है, वो उसका जो
ऑयल का जो ग्रिप होता है वो थोड़ा सा ऑयल मोटा होने लगता है। वो मोटा होने के कारण से क्या होता है, ये जो फ़िल्टर होता है उसको अच्छे से छान नहीं पाता ऑयल को। तो वो कंडीशन में क्या करते हैं, जो यहाँ का वाल होता है, ये वाला वाल, ये देख सकते हैं आप, ये जो है देखिए ये दब रहा है। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ दबा के, ये देख सकते हैं ये जो वाल है, ये वाल दबता है, देख सकते हैं आप। ये वाल के मदद से यहाँ से ऑयल डायरेक्ट, मतलब वो जो जो फिल्टर होता था पहले, तो फिल्टर नहीं करता है, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट जाता है ऑयल इंजन के तरफ। जो आउटपुट है ये आउटपुट से इंजन के तरफ निकल के जाता है। तो जब ऑयल आपका ख़राब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अगर ऑयल मोटा हो जाता है, तब जाके ये काम करना चालू करता है। कभी कभी केस में क्या होता है, जब आपका गाड़ी ठंडा रहता है तो उस केस में भी ऑयल जो होता है काफ़ी मोटा हो जाता है गाड़ी का ऑयल। तो भी केस में क्या होगा, ये जो है ये वाल जो होता है उस कंडीशन में भी ये वाल ओपन होता है, और उस टाइम आपका ये जो फिल्टर है फिल्टर नहीं करेगा। ये फिल्टर फिर यहाँ से डायरेक्ट आपका वाल पास, ऑयल पास हो जाता है, डायरेक्ट पास होगा, मतलब फिल्टर नहीं करेगा। और इसके अंदर मैं ये वाल का भी बात करूँगा, ये वाल का नाम है बाईपास वाल बोलते हैं हम लोग। ये जो अंदर में वाल है ये बाईपास वाल है, और एक स्प्रिन भी आप देख सकते हैं, ये जो स्प्रिन है ये बाईपास वाल के नीचे लगा हुआ रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए कंपनी दिया जाता है ये स्प्रिन को, ताकि कि ये जो है स्प्रिन नीचे से जो होता है गैप बना के रखता है, उसका स्पेस बना के रखता है, और स्पेस बना के रखता है, तब जाके जो ऑयल होता है वो ऑयल अगर गहरा भी मोटा हो जाए ऑयल, तो यहाँ से क्या करता है ऑयल के प्रेशर से ये खुलता है और डायरेक्ट ऑयल यहाँ से निकल जाता है आउटपुट के रास्ते से, जो कि इंजन के ऑयल चला जाता है पूरा ऑयल यहाँ से। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग का काम सिर्फ रहता है स्पेस बना के रखना, और स्पेस बनाने के बावजूद भी एक और काम करता है ये जो ये स्प्रिंग, एक और काम करता है, ये जो वाल है, ये जो एंटिक ड्रे वाल है, इसको भी ये इसके ऊपर दबा के रखता है, इसके ऊपर ये जो है ना ये पूरा ऐसा चिपका के रखता है इसके अंदर। तो अभी हम बात करते हैं अब इसके अंदर का, जो कि ये जो बाईपास वाल है इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ये वाल का मैं बात कर रहा था, जो कि बाईपास वाल है, और इसको मैं दबा के भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये वाल है, जो कि मैं इसको दबा के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये बाईपास वाल है। जब ऑयल आपका ज़्यादा मोटा हो जाता है तब जाके ये वाल खुलेगा, या फिर तो ठंडी में ज़्यादा ही ऑयल थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ये ज़्यादा ख़राब होने के बाद, ज़्यादा ऑयल ख़राब होने की वजह से ये खुलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्ट खुल के डायरेक्ट ये फिल्टर होता नहीं है, डायरेक्ट चला जाता है इंजन की तरफ, आप देख सकते हैं। और ये फिल्टर जो होता है, ये फिल्टर जो होता है एक बार ही यूज किया जाता है, ये फिल्टर जो है एक बार ही यूज किया जाता है, ये जो फिल्टर है ऑयल फिल्टर एक बार ही यूज होता है, उसके बाद से यूज नहीं होता है, एक बार यूज हुआ उसको फेंक दिया। और ये जो मैं पेपर का बात कर रहा था, ये जो ये सेंटर ट्यूब बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो एरिया होता है ये सेंटर ट्यूब होता है, और ये आप सुराख जो देख रहे हैं ना, ये सुराख के अंदर से ऑयल इसके अंदर इंटर होता है। ये जो पेपर है, जो मीडिया गैलरी है, ये हम लोग इसको मीडिया गैलरी भी बोलते हैं, और ये जो पेपर है इसके यहाँ से छनाकर ऑयल, ये जो सुराख है इस सुराख से अंदर की तरफ आता है, और यहाँ से ऑयल इंजन की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरह काम करता है। बाकी इसका ये हाउसिंग है, जो कि ऑयल स्टॉक रखने की काम आता है ये। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका पीएसआई प्रेशर कितना होता है।
तो मॉडल या फिर ब्रांड के ऊपर होता है, गाड़ी के ऊपर कि कौन सा मॉडल है, कौन सी इसका ब्रांड है, उसके ऊपर इसका जो PSI प्रेशर होता है वो दिया जाता है। तो मैं आपको ये जो प्रेशर इसका है ऑयल फिल्टर का, इसका है 25 से लेकर 65 PSI इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, 25 से लेके PSI 65 तक जनरेट होता है इसके अंदर प्रेशर। बाकी जो गाड़ी का ब्रांड है और गाड़ी का जो मॉडल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इसके अंदर प्रेशर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हुआ रहेगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कि ऐसे ऐसे वीडियो लाने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी दे दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आपको कमेंट में कुछ भी पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं।